मेरे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे गाने वालों को मिलता है, इसमें क्लासिकल से लेके फोक तक सबको है, तो ये सबको ही उत्साह देता है, उनको बड़प्पन देता है, तो ये अवार्ड इसीलिए मुझे पसंद है कि मुझे मिले इसलिए नहीं है, लेकिन आने वाले सिंगर्स को मिलना चाहिए, ये मेरी इच्छा। ये म्यूज़िक अवार्ड है, इसमें सिर्फ म्यूजिशियंस और म्यूज़िक से कनेक्टेड लोगों को ही सम्मानित किया जाता है, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इतने सालों से इतने सारे अवार्ड फंक्शन थे उसमें सिर्फ एक कैटेगरी होती थी म्यूज़िक की, मतलब म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर, लिरिसिस्ट, लेकिन यहाँ म्यूज़िक के हर एस्पेक्ट को, चाहे वो क्लासिकल हो, फिल्म म्यूज़िक तक लिमिटेड नहीं है। जीमा अवार्ड बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है और बहुत ही दिल से, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लगन से ये अवार्ड सजाया जाता है। ये दूसरा साल है ऑलरेडी ये अवार्ड इतना एक अलग मुकाम पर आया है। म्यूज़िक एक बहुत बड़ा समुंदर है, फिल्म म्यूज़िक उसका सिर्फ एक कतरा है, म्यूज़िक के और बहुत है म्यूज़िक में, जैसे फोक है, क्लासिकल है, इंस्ट्रूमेंटल है, भजन, और कितने एस्पेक्ट्स हैं, तो धीमा हर क्षेत्र, म्यूज़िक के हर क्षेत्र के जो अचीवर्स हैं उन्हें अवार्ड देता है और उन्हें रिकग्नाइज़ करता है, उन्हें उनकी बातें करता है, वो लोग परफॉर्म करते हैं, तो ये प्योरली म्यूज़िक अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है। ये एक्चुअली हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है जहाँ पे हर कोई म्यूज़िशियन, चाहे वो बॉलीवुड से कनेक्टेड हो या ना हो, ये इन सब लोगों के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यू नो कई बार फिल्मों के लिए हम अवार्ड्स देखते हैं, ऑफकोर्स बहुत सारे अवार्ड्स हैं, लेकिन म्यूज़िक के लिए एक स्पेशल अवार्ड जो बहुत कम एक्चुअली होता ही नहीं है, और हमारे लिए ये हमारा अवार्ड जो है जीमा, वो इट्स अ ग्रैमी के जैसा है, लाइक जैसे अमेरिका में ग्रैमीज होता है। वन ईयर ओल्ड एंड इट्स ग्रोन इनटू सच अ बिग प्रॉपर्टी, सो आई कंग्रेचुलेट विस्क्राफ्ट फॉर दैट, एंड आई थिंक द वे दे हैव कंडक्टेड इट, द वे द एंटायर म्यूजिक फ्रेटर्निटी, नॉट ओनली द फिल्म म्यूजिक बट ऑल यू नो म्यूजिकल फॉर्म्स, दे हैव कम टुगेदर, इट्स रियली कमेंडेबल एंड आई कंग्रेचुलेट विस्क्राफ्ट फॉर दैट। Very well done award, and it's like right now very fledgling because it's only in its second year, but last year it was very well done and they've covered a lot of categories which don't get covered in many other awards, so I like the way they've detached it not only from film, that it's, you know, covers classical and it covers folk and it covers electronic, rock, you know, and pop, all that kind of thing, and I'm sure it will get bigger also. This is going to be the thing for any musician and anybody who is connected with music and entertainment industry. It's one of the most beautiful things, and from the response you get now, I think everybody will agree that, you know, this is the important thing for music industry. मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि आने वाले कलाकारों के लिए कि अवार्ड बनाया गया है, ये नए कलाकारों के लिए। हमने तो अपनी उम्र निकाल दी है, अभी हमें तो ऐसे अवार्ड वगैरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मिले ना मिले, लेकिन एक जो नया कलाकार आएगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उसके लिए रिकग्निशन है ये, और उसकी आवाज़ और या उसका काम जो है वो देखने वालों तक पहुँचेगा।